बॉबी लैशली दोस्तों फायर हो गए, मंडे नाइट रॉ हो चुके खत्म, जिसके अंदर बॉबी लैशली को फायर कर दिया गया। जहां सबने सोचा था लेसनर मेन इवेंट में आएगा, लेसनर तो नहीं है, उल्टा दोस्तों बॉबी लैशली को डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट से हाथ धोना पड़ गया है। क्या पूरा मजा सब कुछ करेंगे वीडियो में डिस्कस। वीडियो को दोस्तों शुरू में कर दीजिएगा लाइक, वीडियो को लाइक टारगेट रखूंगा लगभग 2000 लाइक का। तो रोमन रेंस की न्यूज को हम एंड में कवर करेंगे, शुरुआत में बात करेंगे रॉ की शुरुआत की। आज की मंडे नाइट रॉ दोस्तों हम लोगों ने जो देखी है वो काफी मजेदार थी। इसके अंदर दोस्तों एक से बढ़कर एक सेगमेंट थे। हालांकि दोस्तों जो मेन इवेंट था वो उतना खास नहीं गया जितना ही हमने सोचा था, लेकिन इसका अंत काफी शॉकिंग तरीके से हुआ। शुरुआत हम लोगों ने देखी थी दोस्तों हमारे नंबर वन कंटेंडरशिप के मैच के द्वारा, तो अलेक्सा ब्लिस वर्सेस हमारे अपनी बिली का मैच शुरू में देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था बियांका ब्लेयर इस मैच को देख रही होगी, वो देख रही थी और एंड में दोस्तों उन्होंने बड़ा किरदार निभाया, या फिर कह लीजिए दोस्तों उनकी अहमियत हमें एंड में पता चलती है। जहां जब बेली दोस्तों मिडल टर्न बकल को निकाल चुकी थी, बियांका ने रेफरी की तरफ उसका ध्यान दिया, या फिर कह लीजिए ध्यान फोकस करवाया, और इस पर दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है अलेक्सा लगाती है ड्रॉप किक, उसके बाद दोस्तों अपना फिनिशर वहां दोस्तों 1-2-3 हो गई है। अलेक्सा ने दोस्तों पिन कर दिया और नंबर वन कंटेंडर बन गई, जिसके बाद दोस्तों बियांका जाकर उन्हें चेयरअप करती है, उनके साथ दोस्तों हाथ मिलाने की कोशिश करती है। अचानक से अलेक्सा ब्लिस को कुछ हो जाता है और सिस्टर एबिगेल मारने लग जाती है वहां बियांका को, बियांका उन्हें धक्का वक्का देती है और इसके बाद अलेक्सा वहां से निकल जाती है। तो रूमर्स ट्रू हो रहे हैं दोस्तों, जो ब्रे वायट है उन्होंने अलेक्सा की दिमाग में फिर से घर कर लिया और अलेक्सा जल्द आप लोगों को फिर से डार्क बनते हुए नजर आएगी। फिर से दोस्तों हम लोगों को अलेक्सा जो है वो ब्रे वायट वाली अलेक्सा बनते हुए नजर आ सकती है, इससे पता चलता है। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद बैक स्टेज हम लोगों ने देखा है दोस्तों हमारी अल्फा अकेडमी का एक तरीके का फेस ऑफ, जो कि होता है दोस्तों हमारी गुड ओल्ड ब्रदर्स यानी कि ओसी के साथ। बातों ही बातों में दोस्तों जो एजे है वो चैड को चैलेंज कर डालते हैं और उसके बाद चैड वर्सेस एजे स्टाइल्स होता है। मैच वाज प्रीटी गुड एंड गाइस इसकी खासियत की बात करूं तो गाइस सबसे बढ़िया चीज ये लगी कि दोनों सुपरस्टार काफी एजाइल है, काफी ज्यादा तेज है और ऐसे में दोस्तों मैच काफी अच्छा था, काफी अच्छा पेस इस मैच के अंदर था। रिजल्ट दोस्तों इस तरीके से आता है कि गाइस एजे स्टाइल्स ने लगाया तगड़े वाला स्टाइल क्लैश और मैच अपने नाम किया है। तो हाँ दोस्तों एजे स्टाइल्स की तगड़े वाली जीत हुई। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस हमारे अपने अकीरा तोजावा एंड स्ट्रीट प्रॉफिट वालों का मैच। तो गाइज ये तीनों परेशान है। सबसे पहले तो दोस्तों हम लोगों को ये चीज देखने को मिलती है अपनी परेशानी जजमेंट डे के खिलाफ। दोस्तों बैक स्टेज जो थे वो अकीरा तोजावा प्रदर्शित कर रहे थे, वहां का इंटरव्यू हो रहा था कैथी केली के साथ। दोस्तों वहां स्ट्रीट प्रॉफिट वालों ने एक बेहतरीन मूवमेंट दिया, काफी ज्यादा दोस्तों हम लोगों को वहां फनी थिंग्स देखने को मिली, जिसके बाद दोस्तों इनकी एंट्री होती है और गाइज ये फेस करते हैं जजमेंट डे को। जहां गाइज मैच की बात करूं, मैच के अंदर दोस्तों जो हमारे अपने अकीरा तोजावा काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और गाइज उन्होंने काफी तगड़े तरीके से दोस्तों कॉम्पिटिशन दे दिया था वहां, लेकिन एंड में दोस्तों जो होना था वो हुआ है। एंड में ये चीज देखने को मिलती है कि गाइज जो हमारी अपनी रिया रिपली है वो काफी ज्यादा दोस्तों बाहर से चेयर अप करी थी जजमेंट डे को, और इसी दौरान दोस्तों रेफरी की आंखों से चुराते हुए जो हमारे अपने डेमियन प्रीस्ट है उन्होंने फिनिशर धर दिया, बेचारे तोजावा को रेफरी नहीं देख पाया। 1-2-3 वहां जजमेंट डे जीत गई। तो एक तगड़ी जीत दोस्तों यहां जजमेंट डे की हुई, जिसके ठीक बाद हमने बैक स्टेज देखा कि जॉनी गार्गानो एंड दोस्तों डेक्स्टर लूमिस बहुत सारे मर्च खरीदते हैं दमिज के पैसों से, और उसके बाद दोस्तों ये रिंग में जाकर वो मर्च लोगों में बांट रहे होते हैं कि दमिज आकर पैसे चोरी करने लग जाते हैं, और उस पर दोस्तों एडम पेयर्स आकर रोकते हैं उन्हें, वो कहते हैं कि पैसा जो है ये अब लूमिस का है, उसे वापस दे दो वरना काफी भारी नुकसान झेलना पड़ जाएगा। दमिज रिंग के अंदर जाते हैं और ये चीज कहते हैं कि उन्हें ये पैसा चाहिए, ये उनका पैसा है, जिसके बाद दोस्तों जो जॉनी है वो उनके सामने कंडीशन रखते हैं, वो चीज़ कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो ऐसा तो हम तुमसे मैच लड़ने के लिए तैयार है, लूमिस लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इस मैच के अंदर तुम्हें भी अपना पैसा रखना पड़ेगा दाव के ऊपर, और सारा पैसा जो होगा वो एक ब्रीफ केस में होगा और लैडर मैच होगा लूमिस और तुम्हारे मध्य, हाँ कि ना। वहां दमिस कहते हैं उनके पास पैसा खत्म है, जिसके बाद दोस्तों जो हमारे अपने जॉनी है उन्हें काम दे देते हैं, और वो काम देते हैं कि जो ये सामान है लोगों में बांटो, अगर तुम पैसा वैसा नहीं दे सकते तो। कुल मिलाकर दोस्तों आपको जल्द एक मैच देखने को मिलेगा, एक लैडर मैच, जिसके अंदर दोस्तों जो लूमिस है और जो हमारे दमिस है वो एक दूसरे को फेस करेंगे और पैसा दोस्तों ऊपर लटकाया जाएगा, लिटरली बहुत ज्यादा मजा आएगा, मे बी नेक्स्ट वीक ये होगा। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी मंडे नाइट रॉ में वो था गाइस हमारी अपनी स्काई का मैच, जिन्होंने दोस्तों फेस किया है
हमारी कैंडी स्लरे को। मैच की बात करूं, मैच काफी अच्छा था, लेकिन गाइस इसके अंदर जो होना था वो हुआ एंड में। दोस्तों जो हमारी अपनी स्काई है वो दोस्तों अपना मून सॉल लगा के, जो कि वन ऑफ द बेस्ट मून सॉल है, वो लगाकर दोस्तों विजय प्राप्त कर गई। जिसके ठीक बाद हम लोगों ने बैक स्टेज एक बेहतरीन सेगमेंट देखा जो कि था ओवंस एंड हमारे अलायंस का। तो अलायंस दोस्तों ओवंस से आकर ये चीज कहते हैं कि वो उनके कॉर्नर पर रहे, जिस पर दोस्तों ओवंस कहते हैं कि तू पागल है क्या, तुझे समझ नहीं आता क्या, मैं अभी भी नहीं भूला हूं तूने मेरे साथ क्या किया है, तू इजिकल है मैं जानता हूं और लोग बेवकूफ बन सकते हैं, मैं नहीं बन सकता, देख बात इतनी सी है, मैं तेरे कॉर्नर पर नहीं दिखाई दूंगा। दोस्तों ने स्ट्रेट अप मना कर दिया और जो मैच था वो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट था। इसके बाद सोलो सिकोवा को अलायंस को फेस करना था। मैंने कल ही बता दिया था दोस्तों, अगर आपने प्रीव्यू वाली वीडियो नहीं देखी हो तो मैंने उसी के अंदर बता दिया था कि सोलो वर्सेस अलायंस होगा। तो ये मैच से पहले दोस्तों जो हमारे अलायंस है उन्होंने गाना डेडिकेट किया है रिडल के लिए। रिडल पर दोस्तों आपको अपडेट देना चाहूंगा, रिडल दोस्तों वेलनेस पॉलिसी के चलते डब्ल्यू से निकाले गए हैं कुछ समय के लिए। दोस्तों वो सस्पेंड हुए हैं, शायद से उन्होंने ज्यादा गांजा फूक लिया था या फिर कुछ और, लेकिन हाँ यहाँ दोस्तों रिडल को एक गाना डेडिकेट किया अलायंस ने और गाना पूरा हो पाता है इससे पहले सोलो आ जाते हैं, जिसके बाद मैच बिगन होता है। वहाँ सेम ही उसकी चैंट लग रही थी, मैच वॉज एब्सोल्युटली क्लासिक। इसके अंदर दोस्तों अलायंस ने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन आप लोग जानते हैं सोलो कितना तगड़ा प्लेयर है। सोलो ने दोस्तों एंड में अपना फिनिशर लगाया, 1-2-3 अलायंस की पिन हो गई। अब सोलो दोस्तों इंजर्ड करना चाहता था अलायंस को, जिसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो उन्होंने उमागा स्पाइक किया और उमागा को एक तरीके का ट्रिब्यूट दिया उनका फिनिशर लगाकर, जिसके बाद वो ऐसी चेयर लाते हैं जैसे कि रिडल के केस में लाए थे। चेयर मारने से पहले दोस्तों एंट्री हो जाती है वहाँ ओवंस की, ओवंस ने आकर सोलो सिकोवा को स्टनर मार दिया और सोलो सिकोवा रिंग के बाहर जाकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन सेमी उन्हें रोक देते हैं। इसी दौरान दोस्तों अलायंस भी उठ जाते हैं, सभी को लगता है कि एक बेहतरीन मोमेंट बनेगा ओवंस एंड अलायंस का, लेकिन ओवंस ने उल्टा अलायंस को स्टनर लगा दिया। बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या ओवंस हील में कन्वर्ट हो चुके, जी नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओवंस का करेक्टर कुछ कुछ ऑस्टिन के जैसा है जिस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था डब्ल्यू वालों का कन्फर्म करना ट्रिब्यूट टू द ट्रूप, जिसमें जॉन सेना की आवाज़ हम लोगों को नरेट करते हुए सुनाई दे रही थी। ये इस सैटरडे को आएगा। जहाँ बात की जाए इससे अगले मैच की, तो इसके बाद जो अगला मैच था वो था दोस्तों हमारी अपनी रिया रिप्ली का और वो फेस करी थी आस्का को। मैच के अंदर मुझे लगा कि काना जो कि ओल्ड स्वरूप है आस्का का वो आएगा, बल्कि आस्का दोस्तों एक सिंपल सी बनकर आ रखी थी। और मैच के अंदर दोस्तों एंड में होता ये कि डोमिनिक रोप पर खड़ा हो जाता है और आस्का ने उनके मुंह पर ग्रीन मिस्ट मार दी, डोमिनिक अंधा हो गया। फायदा मिला दोस्तों इस दौरान रिया को, वहां लगा रिपटाइड 1-2-3। रिया जीत तो गई, लेकिन उनका दोस्तों सो कॉल्ड बेबी बॉय डोमिनिक अंधा हो गया, जिसके बाद बैक स्टेज ले जाकर वो उनकी आंखों में दवाई वाई डालती है। इसके बाद हमने डॉल्फ ज़िगलर की तरफ से एक प्रोमो देखा है। डॉल्फ ज़िगलर का जो प्रोमो था दोस्तों काफी आप कह सकते हैं पैशनेट था, और इसके अंदर दोस्तों क्या चीज कहते हैं, ऑस्टिन थ्योरी यू आर स्टिल अ किड, और देख जो चैंपियन होता है वो चैंपियनशिप डिफेंड करने से बनता है, घर पर बैठने से नहीं बनता है। कुल मिलाकर यहाँ डॉल्फ ने साफ कर दिया है कि उन्हें यूएस चैंपियन बनना है। इसके ठीक बाद हम लोगों ने देखा है मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, एंड गाइस मेन इवेंट के अंदर जो एंड में हुआ ना वो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो मेन इवेंट की बात की जाए, बॉबी लैशली की तगड़ी एंट्री, सेथ रॉलिंस आ चुके हैं, जो जीतता ऑस्टिन थ्योरी के दोस्तों आगे जाकर फेस करता। मैच के अंदर दोस्तों हुआ क्या कि एंड में जो रेफरी है नॉकडाउन हो गया, और इस दौरान दोस्तों बॉबी लैशली ने तगड़े वाला स्पीड लगा दिया, लेकिन जो रेफरी डाउन हुआ था अंदर आने में देरी लगी और 2 पर दोस्तों काउड आउट हो गया। और उसके बाद एक चीज देखने को मिलती है कि सेथ कॉर्नर पर खड़े हुए थे, बॉबी लैशली दौड़ते हुए आते हैं स्पीयर के लिए, ये सेकंड स्पीयर होता था, लेकिन इससे पहले ही दोस्तों उन्हें मिड में लग गया, पेडिग्री काउंटर हो गया, 1-2-3 सेथ रॉलिंस जीत गए। जिसके बाद दोस्तों बॉबी लैशली तिलमिला जो आते हैं रेफरी को कॉर्नर पर पकड़ लेते हैं, दूसरा रेफरी आता है, लैशली को पता नहीं चलता, वो गलती से कोनी मार देते हैं उसके चेहरे के ऊपर। एडम पियर्स आते हैं, कहते हैं कि इस रेफरी से अभी कभी सॉरी मांग। लैशली ने गुस्से में एडम पियर्स को धक्का दे दिया, एडम पियर्स ने कहा यू आर फायर्ड। तो यहाँ दोस्तों बॉबी लैशली को फायर्ड कर दिया गया है, बॉबी लैशली अब डब्ल्यूडब्ल्यूई का पार्ट नहीं है। कितने टाइम तक दोस्तों फायर रहने वाले, तो मेरे अनुसार दोस्तों शायद से पूरा दिसंबर वो गायब रहेंगे, जनवरी में वो लौट सकते हैं रॉयल रंबल को बिल्ड करने के लिए। ये चीज़ हो सकती है कि पहले लैसनर ही आ जाए। तो कुल मिलाकर दोस्तों जो लैशली है वो फायर्ड हो गए, और दो बड़ी अपडेट्स निकल कर सामने आई है आज। सबसे पहली अपडेट जो जुड़ी हुई है, जो कि दोस्तों निकल कर सामने आ रही है, वो दोस्तों ट्राइबल चीफ से जुड़ी हुई है। ट्राइबल चीफ पर दोस्तों एक रूमर चल रहा था कि ट्राइबल चीफ जो है रेसलमेनिया में डबल ड्यूटी दे सकते हैं। उनके दोस्तों दो मैचेस हो सकते हैं, पहला मैच कोडी के खिलाफ, दूसरा द रॉक के खिलाफ, वो नाइट 2 पर लड़ सकते हैं।
तो यहाँ दोस्तों रिंग साइड न्यूज वाले भी माने, तो गाइज ये जो रूमर है ये फॉल्स है, क्योंकि WWE एक टाइम पर कंसीडर कर रही थी बट अब बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया जा रहा है। एंड दोस्तों ये पूरा आउट ऑफ इक्वेशन हो चुका है, रोमन रेंस सिर्फ एक दिन ही फाइट करेंगे, तो रोमन रेंस के फैंस के लिए काफी अच्छी खबर है। और दूसरी बड़ी अपडेट जो जुड़ी हुई है दोस्तों, वो जुड़ी हुई है हमारे अपने ब्रॉक लेसनर से। ब्रॉक लेसनर पर दोस्तों जेरो न्यूज का जो एक नया ट्वीट है वो ये चीज बता रहा है कि गंथर को कंसीडर किया जा रहा है उनका ओपोनेंट नेक्स्ट ईयर की रेसलमेनिया में, और बॉबी लैशली जो है उन्हें रॉयल रंबल में ही फेस कर लेंगे। तो गाइस ब्रॉक लेसनर वर्सेस गंथर सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या ये इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन हाँ ब्रॉक लेसनर वर्सेस गंथर सुनने में तो काफी फ्रेश साउंड कर रहा है। वीडियो आज कितनी से पसंद है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बक है।